उमर रियाज के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि उमर के लाइफ में घर के बाहर अभी क्या कुछ चीजें चल रही है. उमर मेक श्योर कि वो अपडेटेड रखे अपने फैंस को, अपने आर्मी को, कि उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है. और एक पोर्टल, एंटरटेनमेंट पोर्टल को दिए हुए जानकारी के अनुसार और एक इंटरव्यू के अनुसार उन्होंने अपने रिलेशनशिप स्टेटस के ऊपर एक बहुत बड़ा बयान दिया है. बताती हूँ आपको क्या है वो इस वीडियो में. देख रहे हैं आप फीफा फूज, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. मैं हूँ आपकी होस्ट अलगोस विदांगी करने. जब उन्हें पूछा गया था कि आप घर के अंदर जब गए तो कई बार जो लोग हैं, जो आप सिंगल है बता रहे थे, लेकिन बाहर की जो दुनिया है काफ़ी लोग कह रहे थे कि मनप्रीत कौर नाम की कोई एक लड़की है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, तो क्या ये सच है? क्या आप उनके साथ रिलेशनशिप में थे या रिलेशनशिप में हो? व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप स्टेटस? तो वो कहते हैं कि मनप्रीत देखिए मेरी सिर्फ एक दोस्त है, जैसे हम सबकी फ्रेंड्स होते हैं बिल्कुल मेरी लिए भी वो एक फ्रेंड है. और जस्ट बिकॉज हम आप किसी को फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे या फोटोज लाइक करते हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका उनके लिए कुछ है. आई मीन देर कैन बी जस्ट फ्रेंडशिप टू. तो मेरे लिए वो सिर्फ एक फ्रेंड है, मैं सिंगल हूँ, मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ. मेरे लिए अभी फिलहाल जो है प्रायोरिटी मेरा वर्क है और मुझे उसी के ऊपर फिलहाल जो है फोकस करना है. लेकिन जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तभी उनके हाथ में अगर आप देखोगे तो ये जो चेन है सीक्रेट सांता के थ्रू, आई एम नॉट श्योर अगर आपको दिख रही होगी, लेकिन एक पतला सा अगर यहाँ पे कुछ दिख रहा है तो उमर रियाज के हाथ पे वो चेन है जो सीक्रेट सांता के थ्रू रश्मि ने जो है उमर को दी है. तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उमर जो है फिलहाल शांत है, इस चीज़ के ऊपर कुछ बोल नहीं रहे क्योंकि रश्मि अभी घर के अंदर है. रश्मि बाहर आते ही शायद दोनों बात करेंगे और अगर वो रिलेशनशिप में है या वो डेट करने वाले हैं या कर रहे हैं तो डेफिनेटली फैंस को बताएंगे. लेकिन ये बात तो क्लियर है कि जो मनप्रीत कौर है उनकी कभी गर्लफ्रेंड नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ दोस्त थी. तो इसके ऊपर आपका क्या है कहना एंड हाउ एक्साइटेड विल यू बी टू सी रश्मि कमिंग आउट ऑफ द हाउस एंड उमर रियाज एंड रश्मि अपने रिलेशनशिप स्टेटस के ऊपर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे? क्या है आपका कहना? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों डेट कर सकते हैं? नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजे. मिलते हो आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.